अस्सलामुअलैकुम। ये रेसिपी है मटन पैटी और मटन कटलेट बोल सकते हैं। उसके लिए मटन को पहले बॉईल होने के लिए कुकर में पानी ले, उसमें ऐड करें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, उसके साथ ब्लैक पेपर ऐड करें 8 से 10, और उसके बाद लवंग 1-2 ऐड करें आपके स्पाइस के हिसाब से। जिसको गरम मसाला ज़्यादा पसंद ना हो वो लोग अवॉइड करते हैं, जिसको चाहिए वो यूज़ करे, जिसको चाहिए पाउडर यूज़ करे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर थोड़ा अलग आता है पानी में, इसके लिए बेटर ये यूज़ करे। उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के इतना ऑयल, कुकर को थोड़ा सा बॉयल आने दे पानी को। पानी को थोड़ा सा बॉयल आने के बाद हम उसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। अब हम उसमें ऐड कर देते हैं मटन के पीसेस, मटन के बोनलेस पीसेस थे, 1 बोन था, तो सब कुछ ऐड कर देते हैं। बोन के साइड का आप निकाल के ले सकते हैं, तो सब कुछ ऐड करें, फिर उसको प्रॉपर मिक्स दें, और उसमें ऐड कर देते हैं 1/2 बॉल दाल, जो चना दाल है वो भिगा के रखी थी मैंने 1/2 आवर के लिए। उसके बाद 1 ऑनियन, भिगाई हुई 1/2 बाउल ऑफ चना दाल एंड 1 ऑनियन। ऑनियन को बड़ा बड़ा काट के डाल सकते हैं। अब हम कुकर को बंद करके सीटी आने देते हैं। 2 से 3 ग्रीन चिलीज, 4 से 5 विसल आने के बाद खोल के चेक करें, उसके बाद में जो गरम मसाले के बड़े बड़े पीसेस है उसको निकाल लें, क्योंकि वो बाद में जो चीज़ हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें बीच में मिल जाता है, तो जिसको किसी किसी को पसंद नहीं आता है, सो बेटर उसको निकाल के सेपरेट कर देते हैं। फिर हम जो मटन के पीसेस है उसको निकाल लेते हैं प्लेट में, उसके रेशे निकाल लेंगे। मसाला वैसे ही कुकर में रख देंगे, क्योंकि बाद में जो रेशे निकालेंगे उसको उसमें ऐड कर देना है। तो ये मसाला बचा हुआ था, थोड़ा सा उसको गरम कर ले, उसके बाद जो मटन के रेशे निकाले हैं वो ऐड कर दें। गिव इट अ प्रॉपर मिक्स। सॉल्ट डाला हुआ है सो सॉल्ट वापस डालने का नहीं, अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, ओनली 1/2 टीस्पून मैंने डाली क्योंकि गरम मसाला खड़ा डाली थी इसके लिए। कोई अगर होल स्पाइसेस ना डाले तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जो ब्लैक पेपर के पीसेस, इलायची के पीसेस मेरे को मिल रहे थे, मैं निकाल रही थी ऊपर ऊपर से। फिर उसमें ऐड कर देते हैं 1/2 कैप्सिकम चॉप किया हुआ, 1/2 ऑनियन चॉप, और 2 से 3 ग्रीन चिली, जो तिक्की वाली ग्रीन चिली रहती है वो चॉप। उसको प्रॉपर मिक्स करते हैं एंड द मटेरियल इज़ रेडी। मटेरियल को ठंडा करें। फिर 3 पोटैटोज़ ली मैंने बॉईल करके, मैश करके। पोटैटो के हिसाब से ही सॉल्ट डाले क्योंकि मसाले में सॉल्ट है। फिर उसको प्रॉपर स्मैश करके ले, जो बड़े बड़े पीसेस थे मैंने बाद में स्मैश कर लिए थे अच्छे से। उसमें ऐड कर दे हैंडफुल ऑफ पुदीना चॉप किया हुआ, 1/2 हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर चॉप। उसको करेंगे मिक्स और फिर उसके पैटी बना लेंगे। उसके साथ ही हम लोग ने एग लिया था, 1 एग ली थी, उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड की थी और ब्रेड क्रम्ब ली थी। अब स्प्रेड करें पोटैटो का मटेरियल, फिर बीच में रख दे मटन का मटेरियल, उसको क्लोज कर दे, एंड फिर उसको प्रॉपर क्लोज होने के बाद उसको एग में डिप करके, ब्रेड क्रम्ब में डिप करके हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए डीप फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई करने के बाद वो कटलेट कभी कभी फूटने के चांसेस रहते हैं। फ्राई पैन में कम ऑयल में फ्राई करना। तो ये इसको मटन पैटी बोलते हैं, और ऐसे ही मैंने 2 बनाए थे। 2 बनाने के बाद मैंने बाद में कटलेट बनाए थे, कटलेट इन द सेंस सेम मटेरियल, एवरीथिंग इज़ सेम, सिर्फ डिफरेंस यही है कि मटन के पैटी जो बोलते हैं उसमें हम मटेरियल बीच में ऐड करते हैं, और कटलेट में हम पोटैटो में सब कुछ मिक्स कर देते हैं, पूरा मटेरियल पोटैटो में मिक्स करके फिर उसके ऐसे गोले बना के हम लोग उसको अंडे में डुबा के उसको ब्रेड क्रम्ब लगा देते हैं। तो ये मटन के पैटी है, इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कवर कर ले चारों तरफ से।
एंड मटन पैटी इज रेडी। अब हम कटलेट का मटेरियल बनाते हैं, जिसमें मैंने पोटैटो में पूरा मटेरियल ऐड की थी। उसको मिक्स कर ले पोटैटो में प्रॉपर, फिर हम उसके कटलेट बना लेते हैं। अगर पोटैटो थोड़ा गिल्ला मॉइस्चर लगा तो थोड़ा सा ऑयल ले सकते हैं हाथ पे बनाते टाइम, बट मेरा परफेक्ट था तो ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। तो उसके कटलेट बना लेते हैं। अब ये कटलेट एग में डुबा के उसको ब्रेड क्रम लगा के हम फ्राई कर लेते हैं। इसे भी स्टर फ्राई करना, शैलो फ्राई करना, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना फूटने के चांसेस होते हैं एज आई सेड। तो ऐसे कटलेट बना लेते हैं। तो जैसे जिसको पसंद हो बना सकता है, मटेरियल तो सेम है, सिर्फ थोड़ी सी प्रोसीजर डिफरेंट है, बट यम्मी एंड टेस्टी। ट्राई ज़रूर करें एंड बताएं कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्यूटी इन इम्परफेक्शन।